you firstly wishing you many many happy returns of the gods of the day Gautam. What do you want to say about this day? I think it's a special day for me because it's in my paida hua, of course. And plus, I think अभी तक ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हुआ है और आगे भी होने वाला है और होगा इंशाल्लाह. तो बस यही विशेष रहती है कि हर साल जब भी बर्थडे आए तो कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करें ताकि उसके अगले साल के लिए और मोटिवेशन मिले. तो इस साल की कुछ टू डू लिस्ट हैं, आई थिंक वो होंगी और उसके बाद नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह विल बी समवेयर एल्स मोर बेटर. सो या आज के दिन की शुरुआत किस तरह से हुई और क्या कुछ स्पेशल हुआ एक से ना जस्ट बोलना म्यूजिक दैट गौतम जी, पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा आपको. आप क्या कहना चाहोगे, आज के दिन की शुरुआत कैसी हुई आपकी? थैंक यू फॉर द विशेज यार. सुबह से मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और सुबह की शुरुआत बहुत सारे केक्स आए, फ्लावर्स आ रहे हैं, विशेज आ रही हैं, तो उसी से हुई. अब मैं थोड़ा सा डाइट पे चल रहा हूँ तो मैं सब कुछ खा नहीं पा रहा, बट या इट्स ऑलवेज अमेजिंग यार टू फील स्पेशल. आई थिंक ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको लोग बहुत फील कराते हैं स्पेशल और आपको वो लोग भी जिनसे आप कनेक्ट में नहीं होते कई महीनों तक या कई सालों तक भी, उनकी भी विशेज जब आपको मिलती हैं तो आई मीन आपका दिन और बेटर हो जाता है. बहुत ही खूबसूरत दिन होता है आपका. बाकी कुछ भागा दौड़ी चल रही है सुबह से चीज़ों की, तो वो ही पीआर टीम के साथ मेरी चल रही हैं चीज़ें. एंड या इट्स गोइंग ऑन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. तो या इस जगह के बारे में क्या कहना चाहोगे महाराजा? वो काफ़ी वंडरफुल प्लेस है, हम आते हैं यहाँ पे, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है. आप क्या कहना चाहोगे इस जगह के बारे में? महाराजा भोग मुझे एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है. द रीज़न इज़ कि मैं ज़्यादा वेजिटेरियन खाना नहीं खाता और आई थिंक ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके मैं डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ. और स्पेशली नवरात्रि चल रहे हैं तो मॉम डैड ने मना किया है कुछ और उल्टा सीधा खाने से, तो मैंने कहा दिस इज़ अ स्पेशल प्लेस एंड बेस्ट प्लेस कि जहाँ पे वी कैन एंजॉय ऑल द वेजिटेरियन फूड और द एम्बियंस, द एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज़ रियली अमेजिंग ऑफ महाराजा भोग. सो इसलिए आई प्रेफर दिस फॉर टुडेज टू सेलिब्रेट माई स्पेशल डे विद माई फ्रेंड्स. सर आपको आज क्या क्या सरप्राइज मिला फैमिली की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से, क्या कुछ मिला? यार बहुत गिफ्ट मिले फ्रॉम लाइक जो भी मुझे पसंद है स्पेशल चीज़ें, मैं नाम कहीं नहीं ले सकता चीज़ों के, बट बहुत चीज़ें मिली, बहुत गिफ्ट मिले, बहुत दुआएं मिली, बहुत लोगों ने दिल से विश किया आगे की जर्नी के लिए, बहुत खुशियाँ मिली, बहुत प्यार सम्मान दिया लोगों ने. और बस कुछ चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से थोड़ी भाग दौड़ चल रही है, उनकी बस तैयारी चल रही है और आई थिंक एवरीथिंग विल बी वंडरफुल. गौतम दुआ के साथ जो प्यार मिलता है आपके किरदार की मैं बात करूँ, कोई भी किरदार हो, राइट फ्रॉम योर फर्स्ट शो टू द एंड लास्ट शो, जिस तरह का प्यार आपको रिसीव होता है फैंस की तरफ से, इट्स वेरी गुड. क्या कहना चाहोगे, इतना प्यार मिलता है एक कलाकार को, इतना प्यार मिलता है तो उसकी उससे ज़्यादा क्या होता है कलाकार के लिए? या मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो लोग भी दुआएं देते हैं जो हमसे कभी मिले नहीं, जो हमें जानते नहीं, सिर्फ वो हमें टीवी के थ्रू जानते हैं, कैमरे के थ्रू जानते हैं और तो हमें बहुत ब्लेस्ड फील होता है. उसके लिए हमारा होता है कि हम जितने से ज़्यादा हार्डवर्क कर सकें और लोगों को एंटरटेन कर सकें ताकि उनसे और प्यार ले सकें. और आई थिंक मेरा बायो भी ऐसा ही है मेरे सोशल मीडिया पे कि कलाकार मैं कल को आकार दूँ, यही है मेरा धर्म, मेरी दूसरी कोई जात ना. तो आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड बीइंग एन एक्टर आई थिंक, एंड दिस इज़ द वंडरफुल लाइक दी प्रोफेशन आई एम इन. सो या आई लव एवरीवन. बहुत मैसेजेस, बहुत सपोर्ट आया सुबह से, मैंने सबको रिप्लाई नहीं कर पाया बट आई ट्राइड माई बेस्ट, बट आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन. सर आपको सबसे अरे सबका अलग अलग लाइट है, you can do your